टुडे विक्सटीन पॉइंट टू चैप्टर मेन्सुरशन फ्रॉम एम एल अगरवाल फ्रॉम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वायर अपना युवराज जो था कहां गया भाग गया वो चलो रितुजा फ्री बैठी थी उसके पास एक वायर थी ये वायर थी ये वायर बना दी मैंने वायर बेन बेंट इन दुलेटर इसको क्या कर, पहले इसने? की शेप में कर दिया पहले like इसका एरिया कितना है थर्टी सिक्स रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय दायर फिर इसने स्क्तर इस को फिर से ओपन कर लिया सीधा कर दिया और फिर क्या बना दिया एक स्कोयर बना दिया एंड अरेक्टेंगल उसके बाद फिर से ओपन किया फिर एक रेक्टेंगल बना दिया इनक्लोज बाई सिर का एरिया फाइंड uh, करना है रेक्टेंगल का मोर देन विद्थ को एक्स ले लो तो लेंथ कितनी होगी एक्स प्लस टू लेंथ इज क्वेश्चन देखो

साइड uh, इसको एस ले लो स्क्वायर ट्रायंगल uh, की साइड को एस ले लिया स्क्वायर की साइड को ए ले लिया अब क्या करें सर उनकी साइड्स फाइंड करनी है ना हाँ सर सबके साइड्स से सेम है क्या एरिया फाइंड करना है बच्चे एक मिनट बताता हूँ मतलब जस्ट वेट

सर रूट थ्री बाय फोर एस स्क्र साइड स्क्स लिया है तो एस स्क् थर्टी सिक्स रूट थ्री एस स्क्र एज लाइक थर्टी सिक्स रूट थ्री एज लाइक फोर कहाँ चला गया ऊपर रूट थ्री कहां चला गया नीचे अपॉन रूट थ्री एस स्क्वास रूट थर्टी सिक्स इंटू फोर

मैं तो मैं सेंटीमीटर hmm. ये साइड से, यही वायर थी इसको चेंज किया था ना इसमें ट्वेल्व एंड दिस इज ऑल्सो ट्वेल्व थर्टी सिक्स सेंटीमीटर इप्सिता नाउ

यस yes, सर इसी वायर को अब किस में चेंज किया है स्क्वायर में yes, यस सर होल्ड कर सर वो उसकी और वो उसका पेरीमीटर होगा सर थर्टी सिक्स इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर ऐसे लिख दिया मैंने यस सर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज लेंथ ऑफ वायर एक मिनट सर थर्टी सिक्स

निजान सर आया समझ यस कुछ भी नहीं था सम बहुत इजी था सर yes. थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट पता ना एक बार थर्ड पार्ट है ही नहीं नो no, सर वो रेट का देखो बच्चे लेंथ ऑफ आयर एरिया ऑफ ट्रैंगल पता है इक्वलेटर ट्रैंगल है उसका फॉर्मूला रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर साइड को मैंने स्कौरी स्कौरी एस लिया है। ये आ गया सर एक मिनट एक सेकंड साइड आ गई तो उससे लेंथ ऑफ वायर कैसे आएगी यही है लेंथ ऑफ वायर इसकी बाउंड्री है जो थ्री इंटू साइड कर दिया ट्वेल्थ थर्टी सिक्स आ गया उसके बाद सेम वायर को ओपन कर दिया फिर से ओ, खोल दिया फिर इसको चेंज कर दिया मोल्ड कर दिया इसमें स्क्वायर में स्क्वायर का एरिया फाइंड करना था अब सबसे पहले जब से साइड नहीं आएगी स्क्वायर की तब तक एरिया नहीं निकाल सकते पैरामीटर ऑफ स्क्वायर लेंथ फोर ए थर्टी सिक्स ए की वैल्यू नाइन आएगी

मनमोहित एरिया ऑफ पैरलोग्राम का फॉर्मूला बता यस सर मैं फॉर्मूला पूछा था यस सर होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरलोग्राम का फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरलो पैरलोग्राम का हाँ जी सर मैं बताऊं सर मैं बताऊं बताओ बेस इंटू हाइट बेस इंटू हाइट एबीसीडी पैरलोग्राम की बनने साइड क्या है यही होगी ना ये फिफ्टीन होगी और ये टेन होगी अपोजिट साइड्स पैरलोग्राम की इक्वल होती हैं डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड्स ये डिस्टेंस दिया हुआ है हमें कितना दिया है एट फाइंड द एरिया ऑफ पैरलोग्राम आल्सो डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड शॉर्टर साइड ये है दोनों टेन टेन ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है उसके बाद इसको पी पॉइंट ले लो इसको क्यों पॉइंट ले लो ये टोटल फिफ्टीन है ये टोटल टेन है अब देखो सबसे पहले उन्होंने पूछा है एरिया ऑफ पैरलोग्राम ये साइड पता है ये हाइट पता है ये साइड पता है बट ये हाइट नहीं पता तो ये वाली यूज करेंगे ना बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लिख दो बेस बी वन ले लो इसको एच वन ले लो बी वन इंटू एच वन बेस वन कितना है फिफ्टीन है एच वन कितना है एट है एरिया आ गया वन ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर अब ये B2 ये H2 यहां पे लिख दू मैं ऐसे यस सर नो इप्सिता टू लिख दू यस सर क्यों सर क्योंकि उनका एरिया तो सेम ही रहेगा ना वो सेम पैरोग्राम बेस इंटू हाइट बी वन इंटू एच वन करेंगे जो एरिया आएगा बी टू इंटू एच टू क्लिक करेंगे उसके इक्वल आएगा क्योंकि तो किसका एरिया है पेरलोग्राम का एरिया ही बी टू टेन है बेटा एच टू फाइन करना है इज वन ट्वेंटी एच टू वन ट्वेंटी अपॉन टेन टेन मल्टीप्लाई था कहां चला गया नीचे जीरो से जीरो कैंसिल एच टू की वैल्यू क्या आ गई सेंटीमीटर, अ वैल्यू ऑफ एच टू समझ? ये छोटा सा समय एरिया एक आंसर ये आ गया एरिया दूसरा आंसर ये आ गया ठीक है अन्वेषा यस yes, सर

क्या की मैंने हमें साइड ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी ट्वेल्व बी सी टेन एंड डायगनल ए सी ए 16 फाइंड द एरिया ऑफ पैरोग्राम आल्सो फाइंड द एरिया डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड चलो डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड तो हम बाद में फाइंड करेंगे सबसे पहले सौरभ इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं जो शेड कर दी मैंने एबीसी yes, मल्टीप्लाई करके थ्री अच्छा? से, अच्छा? से, से मल्टीप्लाई करके सिक्सटीन ये आ जाएगा नो no, सर अन्वेषा Yes, sir. How we can calculate its area? So, हम लोग हम लोग उसे हेरॉन्स फॉर्मूला से करेंगे. Yes, Saurabh जी कहा से सीख लिया कि थ्री से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा तीनों साइड्स पता है कोई एंगल नाइनटी नहीं है एक साइड को ए एक साइड को बी तीसरी साइड को सी ठीक है सौरभ एस युवराज एस किसके इक्वल होता है सर एस ए प्लस बी प्लस सी बाय टू वेरी गुड ए की वैल्यू ट्वेल्व बी की वैल्यू टेन सी की वैल्यू सिक्सटीन अपॉन टू ट्वेंटी एट प्लस टेन थर्टी एट अपॉन टू नाइनटीन एस की वैल्यू नाइनटीन आ गई उसके बाद एरिया का फॉर्मूला भी बता दे क्या होता है सर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट एस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके 19 सेंटीमीटर 19 19 प्रॉपर वे से स्टेप बाय स्टेप Minus 12, 19 minus 10, 19 माइनस टेन 19, माइनस सिक्सटीन 12 नाइनटीन में से 12 7, 9, 3. ये रूट में आएगा 19 7 9 को 3 into थ्री लिख सकते हैं एक 3 3 बाहर आएगा सिर्फ एक एंड अंदर रह गया। 19 21. Road, 399. 399 किसके इक्वल है किसका स्क्वायर रूट होता है सर फोर हंड्रेड ट्वेंटी थ्री नाइनटी नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी का 20 का स्क्वायर होता है 400 तो ये नियर अबाउट है ना तो इसको एप्रोक्सीमेट 20 ले लेंगे या 19.99 ज्यादा बेटर है कि ये ले लें 3 20 नियर अबाउट कितनी आ जाएगी 60 सेंटीमीटर एरिया स्क्वायर एरिया आ जाएगा एप्रोक्सीमेट लिख देंगे एक ट्रेंगल का एरिया आ गया सर अगर एप्रोक्सीमेट में आंसर दे तो हमारा आंसर गलत क्यों होता नहीं इसका आंसर में पीछे देख देता हूँ एक मिनट चेक कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड है ना ये टू का ट्वेंटी थर्ड अप्रोक्सीमेट में नहीं लिया उन्होंने पूरा प्रॉपर लिया है फिफ्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन दिस वन ठीक है 60 आ गया अब ऊपर वाली ट्रायंगल सेम साइज की है कि नहीं टेन ट्वेल्व सिक्सटीन टेन ट्वेल्व सिक्सटीन तो जो इसका एरिया आएगा वही तो इसका आएगा यस और नो यस सर अब एक बच्चे हमारे पास प्रॉपर्टी है डायग्नल ऑफ पैरोग्राम डिवाइड इट इंटू टू ट्रगल ऑफ इक्वल एरिया तो एरिया ऑफ पैरोलोग्राम एबीसीडी किसके इक्वल एरिया एबीसी एरिया एबीसी बच्चे हमने कैलकुलेट किया था सिक्सटी लिखना है सिक्सटी ले लो फिफ्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन लेना है फिफ्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन ले लो फिफ्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन ले लो बच्चे नाइन टू जटीन नाइनटीन नाइन टू वन हंड्रेड नाइनटीन पॉइंट नाइन एट सेंटीमीटर स्क्वायर एप्रोक्सीमेट ठीक है अप्रोक्स वर्ड डाल देना साथ में तो ये लास्ट में आपने क्या किया है इतनी आंख लग गई थी नो सर <coughs> जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया समझे यस डिवाइड इट मतलब पैरेललोग्राम को

डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड भी बोला उन्होंने मैं फिगर पे फिर से बना रहा हूं बार बार पेज टर्न करना मुश्किल हो जाएगा मुझे ये ट्वेल्व ट्वेल्व 12, 12, ये टेन 10, टेन 10. मैं डाइक को ज्वाइन ही नहीं कर रहा क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो शॉर्टर साइड के बीच में तो यही डिस्टेंस होगा टेन टेन शॉर्टर साइड्स हैं Yes, sir. Uh, area of हम find कर चुके हैं 119.98 कैन यू टेल मी द एरिया फॉर्मूला ऑफ पैरलोग्रामगुन माता फोन करा

l into b लेंथ कौन सी होती है पैरेललोग्राम में नहीं सर पता नहीं सर मैं बता बताओ बताओ सर बेस इनटू हाइट बेस इनटू हाइट अन्वेषक का हाल पता है क्या या तो ये बोलती नहीं है या ये बहुत ज्यादा बोलती है सर ये आपके सामने बोल पड़ी हाँ कल पूरी बोली है ये ओके okay, सर कल पूरी चार्ज होके आई थी ये सर यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने हमें बोला था कि हमें बड़े लोगों से बात करना पसंद नहीं है हम सिर्फ अपने लेवल के बंदों से बात करते हैं है ना अन्वेशा बड़े बंदे बड़े बंदे तो है ही नहीं अच्छा मेरे साथ ठीक है, है। एरिया ऑफ पैरोग्राम बेस इनटू हाइट 10 इनटू h दिस वन हाइट फाइंड की 10 नीचे चला गया 11.998 इतने ही छोड़ दो चाहे या 11.99 छोड़ दो सेंटीमीटर समझे क्या किया बच्चे हीरोन्स फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया इनटू टू कर दिया तो किसका एरिया आ गया पैरललॉग्राम का एरिया आ गया पैरोग्राम का एरिया किसके इक्वल बेस इनटू हाइट के इसके इक्वल ये क्या चाहता है दस बार एंटर कर गया एंट्री हो ही नहीं रही उसकी बेस इनटू हाइट के इक्वल टेन इंटू एच दिस वन एच की वैल्यू निकाल ली दिस अपॉन टेन इलेवन पॉइंट नाइन नाइन एट अप्रोक्सीमेट ये आ गया आंसर दैट इज अ हाइट समझ गए नाउ mm -hmm. We have question number 24. Diagonals AC and BD of parallelogram ABCD intersect at O given that AB 12 and perpendicular distance between AB and DC is 6. Calculate the area of triangle AOD. Diagonal AC and B, intersect at O. Diagonals AC and BD of parallelogram ABCD.

बच्चे जो डायग्राम्स होते हैं ना पैरलोग्राम के फोर इक्वल एरियाज में डिवाइड करते हैं अब ए भी पता है डिस्टेंस बिटवीन देम पता है तो एरिया ऑफ पैरलोग्राम निकालो सबसे पहले हरगोन एरिया ऑफ पैरलोग्राम का फॉर्मूला अभी बताया था हरगोन करना ही पड़ेगा आज तो फिर कर दू हर कोई फोन रनबैक्सी एरिया ऑफ यार क्या है सो रहे हैं ऋतु yes, एरिया ऑफ पैरोग्राम का फॉर्मूला बेटा सर बेस इनटू हाइट बेस इनटू हाइट सर पहले हम बेस हम्म हां जी बेटा सर अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं जो तेरे से पूछा है मैंने नहीं सर मतलब अच्छा हां <laughs> भूख लगी है दिमाग काम नहीं कर रहा है तू नहीं सर नहीं कर रहा वही कह रहा हूँ सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा ही कर रहा है सही करूं हम्म नहीं सर नहीं करना सही सर सर अभी ठीक है अभी सब आ रहा है अच्छा डर किससे लगता है पापा से कि मम्मी से सर पापा तो पापा के नंबर भेज दे देख तेरा तो दिमाग कैसे काम करता है फिर बेस बेस हाइट हाइट बेटा 6 टू सेंटीमीटर स्क्वायर आ सेवेंटी टू सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया अब एरिया ऑफ पैरोग्राम सॉरी यहाँ पे एक बार ही रख लो इसके बाद एक लाइन लिखनी है वी नो दैट डायगनल ऑफ स्क्वायर सॉरी पेरोग्राम डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट ऑफ इक्वल एरिया या फोर ट्रैंगल्स ऑफ इक्वल एरिया ये चारों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा आपस yes, मतलब yes, में इक्वल होगा इसका मतलब यही हुआ देर फोर एरिया एओडी वन फोर्थ एरिया एबीसीडी फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो एक पार्ट का एरिया क्या होगा पूरे का वन फोर्थ ही होगा ना वन अपॉन फोर एरिया कितना फाइंड किया हमने सेवनटी टू फाइंड किया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया दैट इज एरिया एओडी आया समझ यस yes, सर आ गया समझ यस सर 25 एबीसी इज अ पैरेललोग्राम विद साइड एबी 10 इफ डायगोनल एसी एंड बी डी आर ऑफ लेंथ 12 एंड 16 रेस्पेक्टिवली फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसी बी सीरीज है पैरो पैरोग्राम ड्रॉ कर लो फिगर ड्रॉ किए बिना तो करना ही नहीं है फिगर तो ड्रॉ करनी ही करनी है ये सोच लो बस सर आप बनाने के मार्क्स काटते हो नहीं ओके okay, सर बट फिगर बनानी जरूरी है क्यों जरूरी है क्योंकि आधा सम फिगर में ही छुपा होता है सारा के बिना सम एसी फ्री हैंड से बना लो ना स्केल पेंसिल यूज करो पेन से बना लो टेन है इफ ए एसी एंड बी डी आर ऑफ लेंथ ट्वेल्व एंड सिक्सटीन एसी ट्वेल्व गिवन है बी डी सिक्सटीन गिवन है डायगन क्या करती हैं पैरोग्राम के बाइसेक करते हैं दूसरे को सौरभ ए सी ट्वेल्व है तो की लेंथ कितनी आ जाएगी सर हाफो ए सी सिक्स आ जाएगी यस सर ये कितनी आ जाएगी सिक्सटीन है एट आ जाएगा सौरभ सर ट्रेंगल का एरिया हाँ सिक्स एट टेन है ना यू कैन फाइंड इट्स एरिया इसका एरिया फाइंड हो जाएगा एरिया ऑफ पैरोग्राम फाइंड करने फोर से मल्टीप्लाई कर देना वही लाइन लिख के इक्वल एरिया mm -hmm. समझ गए yes, yes, इस yes, sir. का एरिया करके फोर कर देना बेटा पूरे पैरोग्राम का एरिया आ जाएगा अपने आप करो so, 26 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज पी सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज क्यू अ सेकंड पैरेललोग्राम हैज इक्वल एरिया बट इट्स बेस इज आर आर सेंटीमीटर बेस आर सेंटीमीटर मोर देन द बेस ऑफ फर्स्ट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन इन टर्म पी क्यू आर हाइट एच ऑफ सेकंड पैरेललोग्राम ओके दो पैरेललोग्राम्स बना ली पहली पैरोग्राम में क्या लिखा उन्होंने एरिया गिवन है इसका पी सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हिट्स हाइट इज क्यू हाइट क्यू गिवन है सेकेंड पैरोग्राम एरिया इक्वल इसके इक्वल है इस एरिया के इक्वल मतलब इसका एरिया भी पी है बट इट्स बेस इज आर सेंटीमीटर मोर देन फर्स्ट इसके बेस को एक्स ले लो इसका बेस क्या हो जाएगा

the second parallelogram has area equal but sorry sir its base is r centimeter more than that of the first ye dekh samjhai yes sir yes sir इसके base को x ले लिया तो इसका base क्या होगा एक्स प्लस आर एक्स प्लस आर पी क्यू आर फॉर एक काम करते हैं एक गलत काम ना गड़बड़ होगी इसका बेस फाइंड करेंगे बच्चे चलो एक्स निकाल लो इसमें बाद में वैल्यू फिल करने है। हाइट क्यू है पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई पी अपॉन क्यू आ गई मतलब यहां पे भी पी अपॉन क्यू प्लस आर आ गया बेस इसका यस yes सो। no? yes, अब इसका एरिया 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 भी P, क्योंकि इसके इक्वल था। area का बेस हाइट, वैल्यू हम निकाल चुके हैं पी अपॉन क्यू प्लस आर इंटू एच इज इकल टू पी अब एच फाइन करना है तो पहले क्या करेंगे क्यू एल सीम लेर इसको पी एच भी था साथ में एच अपने प्लेस पे रहेगा पी के ऊपर चला गया पी प्लस क्यू आर ये नीचे आ गया ये आ गया आंसर हाइट पी क्यू आर की फॉर्म में आ गई बेटा हमारे पास समझे yes sir. मतलब देखो कहने का मतलब दोनों पैरलोग्राम का एरिया इक्वल है पी है इसका एरिया तो इसका एरिया भी पी होगा इसकी हाइट क्यों दी है

एच की वैल्यू निकाली पी के फॉर्म में ट्वेंटी सेवन वट इज द एरिया ऑफ रोम्बस आर ट्वेल्व एंड सिक्सटीन जैसे एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला

96 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया हो गया 27 सम बस सर बस इतना ही था मेरे को तो इतना ही लग रहा है नहीं सर मतलब और कुछ पूछा हुआ नहीं था नहीं बच्चे 28 सम द एरिया ऑफ रोम्बस इज गिवन है 98 वन डायगोनल दिया 14 व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल क्या है यार एरिया ऑफ रोम्बस दिया है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर

पेरिमीटर ऑफ रंबस दिया है 45 हाइट दिया है 8 कैलकुलेट इटस एरिया ये भी सोखा है इजी है पेरिमीटर 45 सेंटीमीटर है युवराज पेरिमीटर ऑफ रंबस का फॉर्मूला यस सर पेरिमीटर ऑफ रंबस युवराज जी सर सॉरी सर नहीं, तो। यार पिमीटर देख ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, प्लस ये। बस हाँ। फोरे आएगा ए की वैल्यू क्या आ गई फोर्टी फोर आ गई सर आपकी वीडियो फ्रीज हो गई सर वीडियो फ्रीज हो गई है सौरभ जी यस, yes. आपकी वीडियो थी. हो थीडियो एरिया ऑफ पैरोग्राम एरिया पैरोग्राम रोम्बस का सॉरी फॉर्मूला बेस इनटू हाइट बेस फोर्टी फाइव बाय फोर हाइट एट कट किया टू फोर्टी फाइव टू जार नाइनटी सेंटीमीटर सिंपल इज दिपलिटर दे दिया पैरिमीटर से साइड निकाल ली सर साइड कुछ नहीं बस अब हो गया थर्टी आज कितने कर बस थर्टी पी के रोमबस इट इज गिवेन दैट पी के थ्री सेंटीमीटर हाइट ऑफ रोमबस टू पॉइंट फाइव है कैलकुलेटेड एरिया हो गया एरिया फाइंड बेस इंटू हाइट थ्री इंटू टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई किया सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर

इस महीने में नहीं होगा ये तो हो लेंथी है ये एक्सरसाइज तो हो जाएगी ना एक एक वर्ड के तो मतलब एक एक लाइन के तो इनके समझ एरिया निकाल दिया बस हो गया खत्म और तो फिर सर हो तो जाएगा लेंथी वाले भी हैं ना पंगा वो डाल के चलो ठीक है बच्चे एक्सक्यूज मी सर ओके बाय हाँ जी सर वो थोड़े से क्वेश्चन पेपर्स बना दो बना देता हूँ टाइम एक्चुअल में बच्चे मेरे पास टाइम होता ही नहीं है मैं क्या करूं सारा दिन पागलों की तरह लगाऊंगा। चलो कोशिश करूंगा बेटा मैं ठीक है यस सर ओके